तो आज देखते हैं कि एक प्रोजेक्टर जो है वो काम किस तरह से करता है, प्रोजेक्टर के अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। बहुत ही कम पार्ट्स होते हैं लेकिन ये किस तरह से काम करता है, तो इस वीडियो में दिखाएंगे पूरी डिटेल। आप देख रहे हैं BR टेक फिल्म्स। अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। BR टेक फिल्म्स में आपका स्वागत है। क्योंकि मैंने इतने सारे प्रोजेक्टर के अलग अलग रिव्यू किए हैं और आगे भी मैं करता रहूंगा आपके लिए अलग अलग गैजेट्स और प्रोजेक्टर्स के भी रिव्यूज। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, मन में एक इच्छा सी है कि इन प्रोजेक्टर्स के अंदर जो ये कॉम्पैक्ट से प्रोजेक्टर हैं घर के लिए, जिसको हम ज़्यादातर दीवार पर फोकस करके घर में सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस लेते हैं, इन प्रोजेक्टर्स के अंदर में क्या क्या होता है। तो ये इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पर साइड्स में जितने स्क्रूज हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया है। तो रिमूव करने के बाद मैं टॉप वाली कैप जो है इस तरह से हट जाती है। तो यहाँ पे एक PCB दे रखी है, जिस PCB में आपका VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट होता है। और यहाँ पे देखिए कुछ हिडन बटन्स भी हैं जो कि मल्टी फंक्शनल बटन है। वैसे भी फिजिकल बटन्स जो प्रोजेक्टर पे होते हैं वो हम लोग यूज़ कहाँ ही करते हैं, बटन सारे हैं फंक्शनल हैं। ज़्यादातर हम लोग रिमोट का ही इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टर को ऑपरेट करने के लिए। तो ये है इसकी PCB। अब आगे आगे देखते हैं कि प्रोजेक्टर के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो क्या क्या हैं, प्रोजेक्टर किस तरह से काम करता है। तो आसानी से इसको खोलते हैं, PCB को हटाते हैं, नीचे प्रोजेक्टर का लैंप देखते हैं, फ़ैन देखते हैं और इसमें कोई स्पीकर है तो उसे भी देखते हैं। तो अब मैं इस PCB को हटाता हूँ। वीडियो में इससे पहले आगे बढ़ें, क्योंकि प्रोजेक्टर का बेसिक आइडिया जो है वो काफ़ी समय पुराना है, काफ़ी सालों पुराना है। और वहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक है कि छोटी इमेज को मैग्नीफाई करके बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना। अब क्योंकि मैं कोई प्रोजेक्टर रिपेयर करने वाला एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता। तो PCB के अंदर जो जो मटेरियल लगा हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो PCB के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ कि प्रोजेक्टर किस तरह से काम करता है। तो PCB को हटाने के लिए यहाँ पे 3 स्क्रूज हैं जिनको मैं फटाफट से जो है हटा देता हूँ। और उसके बाद देखेंगे कि प्रोजेक्टर में लैंप कौन सा लगा है, कहाँ लगा है और फ़ैन कैसा लगा है, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो मैं फटाफट से इन स्क्रूज़ को जो मैंने हटा दिया है, अब यहाँ पर इस PCB को मैं अब हटाने वाला हूँ। PCB के अंदर सिंपल 4 वायर हैं। वो 4 वायर कौन से हैं वो भी मैं आपको आराम से भी बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पे एक रिबन वायर लगी हुई है जो कि शायद प्रोजेक्टर लैंप की है। तो यहाँ पे इस रिबन वायर को हटाना है। इसके ऊपर एक टेप लगा हुआ है, इसका मैं ये लॉक हटा के इस रिबन वायर को जो है धीरे से स्लाइड कर लेता हूँ। अगर आप घर पर इन चीज़ों को नहीं इनकी नॉलेज रखते तो इन चीज़ों को घर पर ट्राई मत करना। आपका कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक हो इस तरह खोलने पे वो ख़राब हो सकता है। तो आप ऐसे काम मत करना अगर आपको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है वायर्स हटा रहा हूँ। मैं साथ साथ बाद में आपको बताऊँगा कि कौन सी फ़ैन की वायर है और कौन सी आपकी लैंप की वायर है और कौन सी स्पीकर की वायर है, वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊँगा। तो PCB को जो है मैंने यहाँ से डीअसेंबल कर दिया है। PCB हटाने के बाद में यहाँ पे एक प्लास्टिक का जो है कवर लगा हुआ है। इस कवर के नीचे जो है सारा सिस्टम, सारा नीचे जो लेंस का है वो नीचे ही लगा हुआ है। तो इस कवर में भी जो है 3 स्क्रूज हैं जिनको मैंने हटा दिया है। अब इसको मैं यहाँ से जो है हटा रहा हूँ और अब देखेंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्टर किस तरह से काम करता है और थोड़ा इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने 3 वायर हटाई थी और एक रिबन वायर, वो सारी वायर यहाँ पर है। और मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दिखाऊँगा, बताऊँगा कि कौन सी वायर किस चीज़ की है और वो किस तरह से काम करती है। ये वाला जो एरिया है ये है आपका मेन डिस्प्ले, जिससे आपका जो भी आप कंटेंट प्ले करते हैं वो प्रोजेक्ट होता है। और उसके आगे बताता हूँ अभी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक स्नेल वाले डिज़ाइन में, जिस तरह एक स्नेल होता है उसके डिज़ाइन में यहाँ पे एक फ़ैन दे रखा है। तो यहाँ पे फ़ैन प्रोजेक्टर में, हर प्रोजेक्टर में फ़ैन ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोजेक्टर को हीट होने से बचाता है। तो जो फ़ैन होता है वो जितना भी अंदर का हीट होता है उसको एक तरीके से बाहर एग्जॉस्ट करता है। यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है जो कि इनबिल्ट स्पीकर है। आजकल सारे ही प्रोजेक्टर में इनबिल्ट स्पीकर आ रहे हैं। प्रोजेक्टर में यहाँ पे आपको PCB में जो बोर्ड में जैक मिल जाता है 3.5 mm का, आप बड़े वाले स्पीकर भी लगा सकते हैं। ये है हमारी मेन यूनिट यानी कि प्रोजेक्टर लैंप, जहाँ से जो है कोई भी कंटेंट जब आप प्रोजेक्टर पर कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट होता है। और यहाँ पे आगे इस लेंस की मदद से फोकस होता है। इसके बीच में बहुत सारे मिरर्स दे रखे हैं जिसकी मदद से ये जो आपकी छोटी सी स्क्रीन होती है वो मैग्नीफाई होती है, जैसे कि वो मैग्नीफायर वाला लेंस होता है। जब आप कोई भी चीज़ रीडिंग करते हैं तो मैग्नीफायर लेंस से उसको ऊपर नीचे करके उसको बड़ा करके पढ़ पाते हैं, उसी तरह से ये
एक छोटा सा डिस्प्ले होता है प्रोजेक्टर के अंदर, जिसके आगे मिरर लगे होते हैं। ये मिरर से रिफ्लेक्ट करते हुए इमेज जो है आपका आगे जाता है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और मिरर लगा हुआ है। इस वाले मिरर से जो है आगे वो चीज़ जो है प्रोजेक्ट होती है और इस लेंस पे टकराती है। ये मैग्नीफाइड लेंस जो होता है इस पे टकराने के बाद में फिर आप उसको दीवार पे जब प्रोजेक्ट करते हैं और फिर फोकस करने के बाद में क्लियर जितना भी आप डिस्टेंस रखते हैं उस हिसाब से आप उसको देख पाते हैं। मेन चीज़ होती है यहाँ पे ये छोटी सी जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्टर की लैम्प, यही होती है जो मेन डिस्प्ले होती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि प्रोजेक्टर के अंदर भी एक छोटा सा डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले का मतलब जैसे आप सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं और टीवी पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कॉपर कंडेंसर भी दे रखा है जो यहाँ से फैन जो हीट छोड़ता है ये इसकी मदद से बाहर वो हीट निकल जाती है। अब डिस्प्ले का मतलब जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप सेट टॉप बॉक्स टीवी पे चलाते हैं तो उसकी स्क्रीन होती है, तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ये जो है लैंप ये इसकी स्क्रीन है, तो स्क्रीन जो है वो मैग्नीफाई होती है आगे। तो यहाँ पे पहले फ़ैन को लगाते हैं, मैं भी स्क्रीन मैग्नीफाई के बारे में आपको दो तीन चीज़ें भी और भी बताऊंगा। तो ये वाली जो वायर है ये फ़ैन की है, तो यहाँ पे ये देखिए ये मैग्नीफायर ग्लास है, इस पर स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए आउटसाइड से, इसीलिए जो है प्रोटेक्शन कैप दी जाती है ज़्यादातर प्रोजेक्टर्स में। और यहाँ पे देखिए इसे टिल्ट करने के लिए ये वाला जो है ग्लास लगा हुआ है, और ये इस तरह से हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है, साउंड तो इसकी लाउड है लेकिन आप एक्सटर्नल स्पीकर लगा लेते हैं। और ये वाली जो वायर है ये पावर के लिए है, इस पीछे लैंप के लिए। और यहाँ पे जो रिबन वायर मैंने निकाली थी सबसे पहले ये वाली, ये मेन डिस्प्ले की है जिसे हम प्रोजेक्टर लैंप कहते हैं। काम किस तरह करता है, स्पीकर तो आपको साउंड सुनाएगा, फ़ैन जो है वो हीट को बाहर करेगा, और लैंप जो है वो ही एक छोटा सा डिस्प्ले है। सिंपल सी बात को समझ लीजिए, जो इसके अंदर लैंप है वही इसका डिस्प्ले है, और मिरर की वजह से आगे ये मैग्नीफाई होता है इस ग्लास पे। तो मैं इन वायर्स को जो है फटाफट से डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ, वो प्लास्टिक वाली केसिंग नहीं लगा रहा हूँ, देखने के लिए कि प्रोजेक्टर किस तरह से काम करता है ये आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। मैं प्रोजेक्टर दीवार पे फोकस नहीं करूँगा, मैं खाली इसको ऑन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं रिव्यूज़ जब करता हूँ तो उसमें ऑलरेडी मैं आपको प्रोजेक्टर की क्वालिटी दिखा देता हूँ। क्वालिटी मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, मैं खाली प्रोजेक्टर को ऑन करूंगा और बेसिक्स आपको आइडिया दूंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ऐसे भी जो है काफ़ी मेहनत लग रही है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि मैं आपको अलग अलग गैजेट्स दिखाता हूं चैनल पे, और दिवाली के बाद में भी मैं आपको कुछ नए प्रोजेक्टर और कुछ स्मार्ट गैजेट्स दिखाने वाला हूं, तब तक कुछ और वीडियोस भी आती रहेंगी। तो फिलहाल में मैंने जो है इस पीसीबी को सिर्फ ऐसे ही कनेक्ट कर दिया है, फिक्स नहीं किया है, क्योंकि इसके नीचे एक प्लास्टिक की केसिंग भी थी। जैसे आपको याद होगा अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो मैंने प्लास्टिक की केसिंग निकाली थी, तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ सिंपली कनेक्ट करता हूँ, और ये रिबन केबल जो है इसके डिस्प्ले की इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ से जो भी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होता है आपकी दीवार पे या प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, वो उस डिस्प्ले से होता है जो मैंने आपको अंदर दिखाया, वो प्रोजेक्टर लैंप होता है और उसके आगे मैग्नीफाई होता है। तो चलिए अब मैं इस पे पावर ऑन कर रहा हूँ, इसका अडैप्टर मैंने लगा दिया है। अब ये जो पीसीबी है, हर डिवाइस में एक पीसीबी होती है और पीसीबी का अपना फंक्शन होता है, पीसीबी ही आगे इन्फॉर्मेशन भेजती है आपके डिस्प्ले तक। तो यहाँ पे मैं इसको पावर ऑन करता हूँ तो अंदर जो प्रोजेक्टर की लैंप लगा हुआ है उस पे जाता है आपका डिस्प्ले, और उसके आगे लगे हुए हैं मिरर्स, वो मिरर्स पे रिफ्लेक्ट होती है आपकी इमेज या वीडियो, और उसके बाद ये जो आगे ग्लास है इससे मैग्नीफाई होकर वो आगे जो है फोकस हो जाती है। प्रोजेक्टर का मतलब है जितने ज़्यादा ल्यूमेंस उतनी अच्छी ब्राइटनेस। वैसे मैक्सिमम प्रोजेक्टर जो हैं वो डार्क में काम करते हैं, और अभी तो डीएलपी प्रोजेक्टर्स भी आने वाले हैं, आ चुके हैं। आने वाले का मतलब मेरा यह है कि मैं आने वाले समय पे डीएलपी प्रोजेक्टर्स का भी रिव्यू करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो फ़ैन है ये काफ़ी पावरफुल है, पेपर काफ़ी थिक है मेरे पास में, फ़ैन को ऊपर करके दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए फ़ैन का स्पीड इतना ज़्यादा है कि पेपर एकदम से जो है पुश हो जा रहा है। तो ये फ़ैन जो है इस हीट को, प्रोजेक्टर में जितनी भी हीट होती है तो उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और यहाँ पे प्रोजेक्शन स्क्रीन जो है उसको मैं थोड़ा सा और अभी कैमरा को आगे करके आगे की तरफ से भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है इमेज प्रोजेक्ट होती है, लैंप से इमेज प्रोजेक्ट होती है या वीडियो प्रोजेक्ट होता है, और वो मिरर से होते हुए सामने वाले मिरर जो लगा हुआ है उस पर टकराते हुए इस आगे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू बाहर की तरफ आती है। तो वो देखिए जो ब्राइटेस्ट वाली लाइट है वो हमारे लैंप के पीछे की लाइट है, और वो लैंप से डिस्प्ले निकल रहा है, और सेंटर में जो है मिरर लगे हुए हैं जिस मिरर की वजह से जो है ये स्क्रीन मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और उसके बाद में इजीली आपकी वॉल पे या प्रोजेक्टर स्क्रीन पे जो है वो प्रोजेक्ट हो जाती है। तो ये देखिए सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा आइडिया है प्रोजेक्टर के पीछे जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है और बढ़िया भी है।
प्रोजेक्टर जो है वो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है वीडियो या इमेजेस को देखने का, और आज की डेट में ये कॉम्पैक्ट होती जा रही है। जब टीवी भी नहीं होते थे तब भी प्रोजेक्टर्स होते थे बड़े बड़े सिनेमा हॉल में, और वही आइडिया है आज की डेट में भी प्रोजेक्टर का, जो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो चुका है और अब इजीली भी सही दाम पे अवेलेबल है। बजट प्रोजेक्टर्स भी बहुत सारे हैं। तो ये एक सिंपल सा आइडिया था, इसमें कोई साइंस नहीं छुपी हुई है बड़ी सी। यहाँ पे एक बेसिक सा आइडिया था कि प्रोजेक्टर के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट हो रही है आपकी स्क्रीन वॉल पे। तो ये था सारा बेसिक सा आइडिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और भी गैजेट्स की वीडियो डालता हूँ उन्हें भी ज़रूर देखा कीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए।